आज की हमारी ज़िंदगी इतनी बिजी हो गई है, इतना बिजी शेड्यूल है सबका, इतनी भागदौड़ है कि हर कोई कुछ ना कुछ काम करता है, रात को थका हारा आता है और इतना टेंशन में रहता है बंदा दिन भर कि उसको सर दर्द होता है या बॉडी में पेन होता है, फिर लास्ट में बंदा एक पेन किलर उठाता है, खा लेता है, उसको रिलीफ मिल जाती है। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो हल्का सा सर दर्द होने पे या बॉडी में पेन होने पे वो पेन किलर खाते हैं। इसी पे मैं इस वीडियो में बात करूंगा, इसके साइड इफेक्ट क्या है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं ब्रजेश वर्मा आपका स्वागत करता हूँ लाइफ इज ये चैनल पे, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो ये पेन किलर है हमारी बॉडी को कितना नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों, भी रिसेंटली अमेरिका के नेशनल किडनी फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उनका कहना है अमेरिका में जो किडनी फेलियर के केसेस आते हैं उसमें से 5% वो केसेस होते हैं जिसमें वो लोग ये दवाइयाँ जो पेन किलर हैं, हल्का सा सर में दर्द हो गया, हल्का सा बॉडी पेन हो गया और ये पेन किलर खा लेते हैं, तो उनके ये केसेस नियर अबाउट 5% होते हैं किडनी फेलियर के। तो आप समझ सकते हैं कि ये दवाइयाँ हमारे किडनी को कितना नुकसान पहुँचाती हैं, और एक टाइम के बाद किडनी फेलियर की सिचुएशन आ जाती है, स्टेज आ जाती है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में उन्होंने ये भी कहा है कि जो ज़्यादा यूज़ से ये जो मेडिसिन होती हैं, पेन किलर होते हैं, इनको जितना ज़्यादा हम यूज़ करते हैं उतना ज़्यादा हमारी किडनी के जो टिश्यूज़ होते हैं उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है और वो कमज़ोर होने लगते हैं। दोस्तों, इसी रिपोर्ट में इन्होंने एक चीज़ और कही है कि जब हमारी किडनी नॉर्मल है तो हमें उतना नुकसान नहीं होता है। दोस्तों, इसी में उन्होंने एक चीज़ और ऐड की है कि जब किसी आदमी का या किसी इंसान का किडनी का कोई ट्रीटमेंट होता है उसके बाद फिर ये दवाइयों को यूज़ करना स्टार्ट कर देता है या रूटीन में रखता है इन दवाइयों को, उसको और ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, हमारी लाइफ इतनी बिजी है, हर कोई परेशान है, सर दर्द हुआ, बॉडी पेन हुआ, कुछ भी हुआ, तो आप एक मेडिसिन उठा के खा लेते हैं। दोस्तों, ये एक लत बन जाती है धीरे धीरे, इसको लत मत बनाइए। हमें डेली रूटीन दोस्तों ऐसा बनाना है कि हम बिज़ी भी रहें और प्लस हेल्दी भी रहें। हेल्दी डाइट रहे हमारी, बाहर का तला भुना अवॉइड करें, प्लस एक्सरसाइज थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें। हालांकि बहुत बिजी शेड्यूल होने के बाद लोग जिम नहीं जा पाते या पार्क में नहीं जा पाते, तो थोड़ा बहुत घर में ही कुछ कर लिया, फिजिकल एक्टिविटी कर ली, या रिलैक्स रहें, मेडिटेशन करें, और भी कई चीज़ें हैं, आप हेल्दी फूड ऐड करिए अपनी लाइफस्टाइल में, पानी ज़्यादा पीजिए, तो इन सब चीज़ों से दोस्तों आपकी लाइफ थोड़ा सा हेल्दी रहेगी। दोस्तों, जब ऐसी कोई सिचुएशन आए, आपको हल्का सा सरदर्द फील हो या हल्का सा बुखार हो, तो नॉर्मल रिलैक्स रहिए, आराम करिए, ठीक हो जाएगा। इतना आप दवाइयों के आदि मत बनिए। मेरा लास्ट में यही एडवाइस है मेरी आपसे कि दोस्तों, एडिक्शन मत पालिए इन छोटी छोटी दवाइयों का। ये आगे जाके आपको लगता तो है कि तुरंत इंस्टेंट आपको रिलीफ मिल रहा है इन दवाइयों से, और देखने में बड़ी छोटी दवाई होती है लेकिन आगे जाके इसका इम्पैक्ट बहुत खतरनाक होता है। तो अवॉइड करिए, जब हाँ आपको बहुत ज़रूरी लगे तब ये दवाइयाँ लीजिए, और डेली रूटीन में इनको ऐड मत करिए कि भाई डेली अगर आपको सर दर्द है आप ये दवाइयाँ खा रहे हैं या हर दूसरे दिन तीसरे दिन आप ये दवाइयाँ खा रहे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।